फ्रेंड्स, अब हम ग्लो पोर्टा लाइट की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यह ग्लो कंपनी का पोर्टा लाइट है। यहां उसका नाम दिया हुआ है कंपनी का, और अगर आप यहां पर नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा पोर्टा किट, और यहां उसकी साइज दी हुई है 14। आप देख रहे हैं ये बॉक्स के अंदर से ये एक बहुत बड़ा किट निकला हुआ है, और ये किट के अंदर हमारा पोर्टा लाइट है। यहाँ वापस आपको कंपनी का नाम लिखा हुआ, इसकी बहुत ही बेहतरीन किस्म की बैग नजर आ रही है ये, इसकी रैक्सिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी नजर आ रही है। यहाँ पर आपको चैन दी हुई है, तो हम चैन ओपन करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, इसके अंदर से वापस एक पाउच निकला है, और ये पोर्टा लाइट है। इसमें भी आपको कंपनी का लिखा हुआ नाम नजर आएगा, ग्लो कंपनी पोर्टा लाइट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और ये दूसरा पाउच है, दूसरे पाउच में भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ग्लो पोर्टा लाइट। इस तरह से दो लाइट का सेटअप इसके अंदर आता है। इसके ये अम्ब्रेला है इसके साथ आया हुआ एक, और ये और एक अम्ब्रेला है। इस तरह से व्हाइट कलर के दो अम्ब्रेलास इसके साथ आए हैं। इस पर भी ग्लो कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ग्लो कंपनी जो लाइट बनाती है, इसके हर आइटम्स ये खुद बनाती है, इसका अपना खुद का प्रोडक्ट होता है। हर चीज पर आपको ग्लो कंपनी का लिखा हुआ नाम मिलेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ये बहुत ही हेवी स्टैंड दिया हुआ है, बहुत हेवी वेट है इसका, और उसकी वजह ये है कि अगर हवा चलती है तो उससे ये गिरने ना पाए और हमारा नुकसान ना होने पाए। और ये आप देख रहे हैं ये और एक स्टैंड इसके साथ में, इस तरह से दो स्टैंड, दो पोर्टा लाइट और दो अम्ब्रेलास। ये पाउच ओपन करने के बाद इसमें भी बेहतरीन एक अच्छा पाउच है, ये बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है पाउच की। और ये पाउच के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं वायर, अच्छा खासा बड़ा वायर दिया हुआ है इसके अंदर एक, और साथ ही ये है वो पोर्टा लाइट। दूसरा भी पाउच मैं ओपन कर लेता हूं, तो ये सेकंड पाउच भी मैंने ओपन कर लिया है, और ठीक इसमें भी एक केबल आप देख रहे हैं, वायर है, और इसके अंदर भी ये आप देख रहे हैं ये है पोर्टा लाइट। तो ये स्टैंड जैसा हम देख रहे हैं, यहां से ये क्लिप को इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये ओपन करने के बाद इसको हम ये हमारा एडजस्टमेंट कर लेंगे ताकि ये हिले ना जब रखे तो अच्छी तरह से। और ये जो क्लिप देख रहे हैं ये, इसमें जो लॉक सिस्टम है ये सिर्फ बंद कर दीजिए, तो उससे ये
हमारा ये स्टैंड अच्छे से फिट हो जाएगा। इसके ऊपर हमें लाइट लगाना है। ये जैसा हम देख रहे हैं, ये हमारा पोर्टा लाइट है। इसके साइड में दो पैनल्स दिए हुए हैं, जैसे हम ओपन करेंगे तो ये पैनल्स इस तरह खुल जाते हैं। ये जैसे ये पैनल पूरा ओपन हो गया इस तरह से, और ये एक जो ट्यूब लाइट है इसके साथ में आया हुआ, ये ट्यूब है एक, यहाँ पर इसको हमें फिट करना है। और ये पैनल को ये लॉक ओपन हो जाएगा, ये हम जितना चाहे इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं ये पैनल को। यहाँ पर एक सॉकेट दिया हुआ है। ये केबल जो है, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो सॉकेट नजर आ रहा है हमें, ये यहां लगा देना है इस तरह से। इसको अच्छे से फिट कर देना है। और ये हिस्सा जो है हमारा, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड को जाकर लग जाएगा। ये एक अम्ब्रेला है इसके साथ में वाइट कलर का, ये हम देख रहे हैं। ये स्मॉल साइज अम्ब्रेला है, अगर हम चाहें तो इसमें बड़ी साइज की अम्ब्रेला भी आती है। और एक अम्ब्रेला होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो अगर हम चाहें तो रिफ्लेक्ट करने वाला अम्ब्रेला भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये ट्यूब को लगाएंगे। ये ट्यूब को लगाने का तरीका ये है कि इसका नीचे वाली साइड जो है, 1000 वोल्ट का ट्यूब है, 1000 वोल्ट का ये ट्यूब है। इसको लगाने के लिए हमें यहां पर रखकर इसको हल्का सा पुश करेंगे। यहां हल्का सा पुश करने के बाद स्प्रिंग होती है नीचे की जानिब, और ये थोड़ा सा अगर इसको ज्यादा ताकत लगाए तो ये टूटने का डर है, तो इसको आहिस्ता से लगाएं। तो ये नीचे की जानिब एक स्प्रिंग है, इसको हल्का सा नीचे की जानिब पुश करेंगे और इस तरह से ये जो ट्यूब है इसको लगा देंगे। ये स्टैंड का ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर का टॉप साइड, वहां पर ये लाइट का ये वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है, इसको इस तरह से लगाएंगे। ये जैसे ये फिट हो गया, और ये फिट होने के बाद ये जो नॉब नजर आ रहा है आपको, आप देख रहे होंगे, टाइट कर देंगे। तो इसको अच्छे से टाइट हमने कर दिया और ये हमारा पोर्टा लाइट जो है यहाँ पर लग गया है। ये लाइट का ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं, ये हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, ये वाले हिस्से में हम इसको इस तरह से लगा देंगे। तो ये पिन को मैंने सॉकेट में लगाकर, और दूसरी साइड वाली जो पिन है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा दिया है। और अब मैं बोर्ड का बटन ऑन करने जा रहा हूं, और ये जैसा आप देख रहे हैं कि ये लाइट स्टार्ट हो गया है। अब हमें ये अम्ब्रेला ये लाइट के ऊपर लगाना है। ये इस तरह से हम अम्ब्रेला ओपन कर लेंगे, यहां पर आपको एक होल नजर आ रहा होगा, ये अम्ब्रेला को ये होल में लगाकर, और ये यहां पर आप फिर वापस एक नॉब देख रहे हैं, ये नॉब की मदद से फिट कर देंगे। ये अम्ब्रेला को इस लाइट के सामने लगाया जाता है, उसकी वजह यह है कि इससे निकलने वाली जो रोशनी है वो डायरेक्ट हमारे चेहरे पर जब आएगी तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए वो रोशनी ये अम्ब्रेला से छन कर हमारे चेहरे तक हमारे ऊपर आती है। अगर आप रिफ्लेक्ट लाइट वाला अगर अम्ब्रेला लगाते हैं तो ये रोशनी रिफ्लेक्ट होकर सामने की जानिब जाएगी, जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छी रोशनी मिल सकेगी। तो चलिए अब हम इस अम्ब्रेला को लगा लेते हैं।
तो मैं ये स्टैंड को कुछ इस तरह कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ये जो होल नजर आ रहा है आपको, मैं इधर से ही अम्ब्रेला को लगाता हूँ। ये जैसा आप देख रहे हैं, ये नॉब को मैंने ओपन कर लिया। तो ये अम्ब्रेला को मैंने लगा दिया है जैसे आप देख रहे हैं, और ये नॉब को मैंने फिट कर दिया। ये अम्ब्रेला आप जैसा देख रहे हैं, इसको मैंने ये लाइट से थोड़ा दूर रखा है, इसको हम करीब नहीं रख सकते। इसके लिए कि ये पोर्टा लाइट, इसका जो 1000 वोल्ट का होने की वजह से इससे जो गर्मी पैदा होती है, वो गर्मी से ये अम्ब्रेला जल जाने का डर होता है। इसके लिए इस अम्ब्रेला को इसके करीब नहीं लगाना है, ये दूर लगा के ये नॉब की मदद से इस तरह से फिट कर देना है। नंबर दो, यहाँ आप ये नॉब देख रहे हैं, ये नॉब को अगर हम ओपन कर लेंगे, तो ये नॉब ओपन करने के बाद इसकी पोजीशन को आप जिस एंगल में चाहें, ये नॉब की मदद से हम उसको घुमा सकते हैं जिस साइड में भी आपको रोशनी चाहिए, तो ये नॉब और इस तरह से उसको फिट कर देंगे। मैं वापस लाइट शुरू करता हूं, और ये आप देख रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मेरे पोर्टा लाइट का दोनों भी सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब मैं लाइट ऑन करता हूं। ये देखिए, अगर एक लाइट की रोशनी अगर होती है, और अगर डबल लाइट की रोशनी अगर मैं स्टार्ट करूंगा, तो इस तरह से आप देखेंगे दोनों साइड से जिस वक्त रोशनी रहेगी, फिर ये इसकी अगर हमको हाइट बढ़ाना है, तो ये जो नॉब देख रहे हैं हम, जैसे ये नॉब को हम ओपन करते हैं, तो ये झटके के साथ ऊपर आएगा। ये झटके के साथ ऊपर आके इसको हम इस तरह से इसकी हाइट बढ़ा लेंगे। और अगर आपको और भी ज़्यादा अगर हाइट बढ़ाना है, तो फिर यहाँ पर और एक लॉक है, फिर ये झटके के साथ आपने देखा ये ओपन हुआ। और इसको आप जितना चाहे, मतलब ये 14 फीट तक ऊपर जाएगा। इसकी जो हाइट है आप देख रहे हैं, ये मेरी हाइट से कितना ऊपर चला गया है। और इतना हाइट जाने के बाद अगर आप देखेंगे कि अभी ये एक लॉक, इसका एक नॉब अभी और भी बाकी है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये वाला जो नॉब है, ये और बाकी था, ये झटके के साथ ओपन हुआ, और ये इस तरह से इतना ऊपर जाएगा। तो अभी आपको मुझे ये बताना है कि ये 14 फुट हाइट तक कैसे ऊपर जाता है। ये रूम में मैं बता नहीं सकता था आपको, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। ये मैंने ये नीचे वाला लास्ट वाला क्लिप ओपन किया। लास्ट क्लिप ओपन करने के बाद मैंने अपने स्टैंड को लगा लिया। ये स्टैंड को लगाने के बाद लॉक कर दी। तो हमने अभी ये फर्स्ट वाला क्लिप ओपन किया जिससे ये इतना ऊपर आया हुआ है। अब मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला क्लिप, इसको जब मैं ओपन करूँगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये इतना ऊंचाई तक अभी फर्स्ट वाला क्लिप गया। इसको मैं यहाँ पर लॉक कर दूँगा, यहाँ पर इसको मैं लॉक कर दिया। अब यहाँ से मैं जो है, ये जो है सेकंड वाला लॉक ओपन कर रहा हूँ, यहाँ का सेकंड क्लिप, फिर ये झटके से ओपन हुआ। इसको जब मैं ओपन करूँगा, तो अब तो ये आसमान को छूने लगा है। ये सेकंड क्लिप, अभी फिर एक क्लिप अभी बाकी है। अभी ये तीसरा क्लिप जो है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अभी ये एक क्लिप मैंने ओपन किया। ये ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं, ये बंद कर दिया। और अब इसकी हाइट आप देख सकते हैं, मेरी हाइट से डबल से भी ज़्यादा हो गया हुआ है। तो ये इतनी हाइट मैं आपको रूम में नहीं बता सकता था। तो ये जो इतनी हाइट है, इसको मैं रूम में से आपको नहीं बता सकता था। तो आपने देखा
मेरी हाइट से डबल ऊंचाई तक ये स्टैंड चला गया, और उसके ऊपर जब लाइट लगा हुआ होगा तो आपका जो वेडिंग स्टेज जो लगा हुआ है या जो कोई भी प्रोग्राम का स्टेज लगा हुआ है वो 6 फीट 7 फीट 8 फीट ऊंचा भी है, तो उसके बाद उतनी ऊंचाई पर जाकर आपको पोर्टा लाइट की रोशनी अच्छे से मिलने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो आपको ये पोर्टा लाइट ज़रूर पसंद आया होगा, तो आपकी प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए फुल लाइट के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है।